वेलकम बैक टू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, ए डे इन माय लाइफ। और अभी मैं सुबह रेडी हो चुकी हूँ कोचिंग जाने के लिए, और अभी आ रही है बारिश, यहाँ से नहीं दिखेगी। और मैं सुबह आज मेरे को जल्दी जाना था, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो जा रही थी, और अभी भी बारिश ऑलरेडी हो रही है। और मेरी जो कोचिंग है मेरे पास में, फिर भी मेरे को कैब करके ही जानी पड़ेगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मैं ऐसे जाऊँगी तो दिल्ली हो जाऊँगी, इसलिए बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो अभी मैं रेडी वगैरह हो चुकी हूँ, बस मेरे को अभी अपना रूम वगैरह सेट करना है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी अपनी कोचिंग के लिए। महिमा नाम से, हाँ यहाँ पे मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि जैसे मैं ओवर करके थोड़ी सी दूर निकली हॉस्टल से, बारिश ख़त्म, बारिश यहाँ पे हो ही नहीं रही। सुबह सुबह फालतू का खर्चा हो गया। और जैसे ही मैं अपनी ऑटो से उतरी ना, वहाँ पे मेरे को मेरी कॉलेज इंस्टीट्यूट के बाहर मेरी फ्रेंड मिल गई थी। फिर हम मैं उसको ये बता रही थी कि जैसे ही मैंने कैब की इतने में तो बारिश ही ख़त्म, वो बोली सेम मेरे साथ भी यही हुआ। उसके बाद मैंने क्लासेज वगैरह ले ली, उसके बाद मेरी फ्रेंड आज अपने घर से मेरे लिए लंच लेके आई थी। तो लंच में जो लाई थी वो भी था एकदम मेरा फेवरेट, वो थे नमकीन चावल जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है घर वाले, तो वो मेरे लिए लेके आए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो इस बहुत टेस्टी थे, उसकी मम्मी ने बहुत टेस्टी पुलाव बनाए थे। उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद मैं ऐसे ही बैठे थे। उसके बाद मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट ख़त्म होने के बाद मेरे को भूख लगी थी, तो मैं गई थी आज बर्गर खाने। जहाँ पर मैं बर्गर खाने जा रही थी उतने में इतनी तेज़ बारिश हो गई थी जिसका कोई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना। और मैंने बर्गर का ऑर्डर दिया था, बट वहाँ पे भी पानी बारिश वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वहाँ पे मेरा बर्गर भी नहीं बना। फिर मेरे को बहुत देर तक वहाँ पे ऐसे ही बैठे रहना पड़ा, बारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बार बार बाहर जाके देख रही थी बारिश ख़त्म हो जाए ताकि मैं कहीं और जाके कुछ ना कुछ खा लूँ। बहुत सही चीज़ें थी वैसे, बट मेरे को बर्गर ही खाने की इच्छा थी। तो फिर मैं दूसरे, थोड़ी सी बारिश कम हुई तो हम थोड़ा, मेरे पास छत्ता था तो मैं ऐसे निकल गई थोड़े से, कोई पास में दूसरा कोई कैफे वगैरह दिखे मेरे को, तो मेरे को यहाँ पर बाइकर्स कैफे दिखा जिसके अंदर मैं पहले भी ऑलरेडी गई हुई हूँ। तो मैंने सोचा इसके अंदर चलते हैं, बट इसके अंदर इतना पानी भर रखा था, पूरा का पूरा पानी भर रखा था ना। फिर मैं कैसे ना कैसे करके अंदर बैठी क्योंकि अंदर सीटिंग का था अच्छा। तो उसके बाद मैंने अपने शूज़ खोल दिए, नहीं तो अगर शूज़ के अंदर पानी चल जाता तो दिक्कत हो जाती। तो मैं शूज़ खोल के हाथों में लेके इधर आ गई थी, और वहाँ से इतना पानी पानी मतलब बहुत बारिश हो रही थी। फिर मैं यहाँ पे बैठी, यहाँ पे फाइनली मेरे को बर्गर मिल गया। तो मैंने यहाँ पे मेन्यू लिया, बर्गर का ऑर्डर वगैरह दिया। तो जब तक हम ऐसी वीडियो वगैरह बना रहे थे ताकि बर्गर जल्दी से आ जाए, क्योंकि मैं बहुत देर से तो भूख लग रही थी, और आज पता नहीं क्या हो गया मेरे को सिर्फ बर्गर ही खाना था, मैं बहुत अच्छा हो रही थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद में भैया ने बर्गर बना के दिया, और वहाँ पे और कोई कस्टमर था नहीं, तो मैं एकदम जैसा चाह रही थी वैसे उसे भैया बना के दे रहे थे। तो मैंने उनको कहा था भैया बहुत ही स्पाइसी सा बना के देना, तो उन्होंने मेरे को इतना अच्छा और टेस्टी स्पाइसी सा बर्गर बना के दिया, जिसको मैं बहुत अच्छे से इतने अच्छे मौसम के अंदर बारिश के साथ इंजॉय कर रही हूँ। वो भी ओपन व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बर्गर इतना बड़ा था ना कि यार मैंने खाया नहीं जा रहा था, बहुत बड़ा था। उसके बाद बारिश ख़त्म हो नहीं रही थी बिल्कुल भी, और हमने बर्गर भी खा लिया। हम वहाँ पे एक घंटे से ज़्यादा देर बैठे रहे। उसके बाद हमने हक्का नूडल्स ऑर्डर कर दिए क्योंकि ऐसे एक जगह से बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगता, और वैसे मेन्यू कार्ड पढ़ पढ़ के मेरे को और ज़्यादा भूख लगती जा रही थी। तो मैंने यहाँ पे हक्का नूडल्स ऑर्डर किए थे, बट मेरे को हक्का नूडल्स थोड़े स्पाइसी कम लगे। तो मैंने उन भैया को बोला वापस कि भैया हक्का नूडल्स को ना आप थोड़ा स्पाइसी करके लेके आ जाओ, जैसे एकदम वेज चाउमीन की तरह। तो उन्होंने किया। उसके बाद हमने वहाँ से नमक मंगवाया कि भैया नमक भी कम है। लिटरली मतलब आज कुछ ना कुछ कमी होती जा रही थी। फिर उसके बाद भी स्पाइसी बहुत ज़्यादा कर दिया था भैया ने, पहले बहुत फीका था फिर स्पाइसी ज़्यादा था। तो मैंने भैया को बोल दिया भैया इसको पे कर दो, ताकि अब थोड़ी बारिश भी कम हो चुकी है, वैसे बारिश हो रही थी बट अब 6 बज गए थे तो हमें निकलना तो था। तो भैया ने इसको पे कर दिया ताकि मैं अपने PG ले जाऊँ। उसके बाद बारिश हो रही थी बट थोड़ी थोड़ी थी, फिर भी मैंने अपना छाता हाथ में ले लिया और ऐसे ही निकल लिया ताकि थोड़ा बारिश का मज़ा लेते हैं, क्योंकि कम थी, ज़्यादा इतनी तेज़ नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज चुके हैं रात के 8:30। मैं आई थी वहाँ से फ्री हो गया लगभग 6 बजे के आसपास, और मैं आई थोड़ा 2 मिनट ऐसे रेस्ट वगैरह मतलब बैठी थी, और मेरे को नींद आ गई। और मैं अभी उठी हूँ 8:30 बजे, और जब खाने खाने का टाइम भी ख़त्म हो चुका,
और मेरे को इतनी अच्छी वाली नींद आ गई थी ना आज की, मेरे को पता ही नहीं चला टाइम का और मैं सीधी सो गई। पहले मेरी एक बार आंख उठी थी, मतलब आंख खुली थी 8 बजे, तब भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं वापस सो गई। फिर अभी वापस उठी 8:30 बज गए। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है, रात भर नींद नहीं आती, फिर सुबह क्लास नहीं ले पाती, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सुबह लेट उठती हूँ, फिर सुबह पूरा मेरा दिन का ख़राब हो जाता है कि पूरे दिन लेट हो जाती हूँ कोचिंग वगैरह के लिए। बट आज कैसे ना कैसे करके जल्दी सोऊंगी ताकि कल का दिन सही जाए, वरना अभी तो मतलब मैंने ड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं की थी, डायरेक्ट आई और बैग वगैरह रखा, थोड़ा सा फ़ोन चलाया, इतने में मेरे को तो बस नींद आ गई। अब उठी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मतलब अप्रोक्स 8:30 या 9 ही बजने वाली है। अभी मैं देखती हूँ, ऊपर जाती हूँ, ऊपर जाके खाना वाना होगा तो खाऊंगी कुछ भी। पहले तो मेरे को अपनी पानी की बोतल भरनी है, सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, बोतल खाली खाली पड़ी है, ये इतना सा पानी है इसके अंदर, पानी लेना है मेरे को। छत पे खाना खाने और यहाँ पे पानी पानी हो रहा, मतलब बारिश अभी जस्ट रुकी है, बाकी अभी तक बारिश हो रही थी। और यहाँ का व्यू ये सबसे बेस्ट लगा, कोई इतना ट्रैफिक जब कोई खतरनाक लग रहा है, इतना खतरनाक वाला ट्रैफिक, कितना लंबा है, जितनी लाल लाल गाड़ी है सारा ट्रैफिक जा रहा है, इतनी गाड़ियों का, इतनी गाड़ियों का ट्रैफिक लग रखा ना इस साइड में, तो पता नहीं और आती जा रही है गाड़ी है, और आ रही है और बहुत आगे तक लग रहा है। और ये मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे इतना ट्रैफिक। यहाँ से लेकर वहां तक बहुत सारा ट्रैफिक लग रखा है ये तो। उसके बाद रात को हमें याद आया कि क्या हमारे पास चाउमीन है पैक किए हुए, तो हमने उसको निकाले, खाए सब एक साथ मिलके। और फिर हमने ये जो बीकाजी की जो ये भेलपूरी आती है ये वाली भी हमने निकाली थी, ये भी बहुत अच्छी लगती है, इसके अंदर चटनी वगैरह आती है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, थोड़े से प्याज वगैरह डाली एक्स्ट्रा ऊपर से, वैसे टमाटर वगैरह और होते तो और अच्छे लगते, पर टमाटर नहीं था हमारे पास रूम के अंदर, सिर्फ प्याज था, तो हमने ये डाला। और इसके अंदर चटनी जो इसके अंदर आती है इमली की, इसको मिक्स किया और ये भी एकदम अच्छे से टेस्टी सी बना के इसको भी हमने खाया। तो यही था आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू हो तो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको कमेंट करिए और लाइक करिए।